में तेलंगाना में कुछ लोग तेलंगाना एवं भारत देश का वातावरण खराब करने का एक षड्यंत्र रच रहे थे। एक इस्लामिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहादेव कुछ नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, और मौलाना नसीरुद्दीन के कुछ रिलेटिव है, उनकी कोई लड़कियां हैं, यानी एक लेडीज की एक टीम है। वो लोग दूसरा कार्यक्रम बोलकर पुलिस से परमिशन, सैदाबाद क्षेत्र में परमिशन लिए, और मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया अयोध्या राम मंदिर को ले लेकर, उसके खिलाफ उन्होंने मीटिंग की। और उनका नारा था कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे और राम मंदिर तोड़ेंगे, लाठी गोली खाएंगे, राम मंदिर तोड़ेंगे और बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ, यानी मैं शब्द नहीं बोल सकता, उस प्रकार के नारे ये लोगों दिए गए। और डीसीपी से हमारी बात हुई तो डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया कि उनके ऊपर एफआईआर करेंगे, और मुझे पता चला कि उनके ऊपर एफआईआर सैदाबाद पोलिशन में हो चुका है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी का भी एक ट्वीट है, इससे पहले भी अयोध्या सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद में असदुद्दीन ओवैसी भी एक सभा लगाकर पब्लिक को भड़काने का उसका पूरा का पूरा प्रयत्न था। तो जब ये लोगों के ऊपर देशद्रोही केस बुक हो सकता है, जो महिलाएं राम भगवान के प्रति गलत शब्दों का उपयोग करें और अनेकों प्रकार के नारे दिए, तो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी देशद्रोही का केस बुक होना चाहिए, उसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। दारुसलाम में उसने बड़ी सभा लगाकर अयोध्या फैसले के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसने सभा की, और उसके ऊपर भी मैं डिमांड करना चाहता हूं कि उसके ऊपर भी एफआईआर हो। कमिश्नर मुख्यमंत्री से मैं चाहूंगा तेलंगाना के कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी एफआईआर हो। आज अयोध्या का फैसला आने के बाद में हिंदू और मुसलमानों में जो नफरत का जो माहौल था, आज बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। आज एक अच्छा भाईचारा प्रकट हो रहा है, सब लोग मिलजुल कर अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना के लिए आज सब लोग मंथन कर रहे। एक तरफ अयोध्या का मुसलमान और भारत देश का मुसलमान, और दूसरी तरफ ये तेलंगाना का असदुद्दीन ओवैसी, जो ये नहीं चाहता कि हिंदू और मुसलमान मिलकर रहे। मैं सरकार से एवं गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ओवैसी के ऊपर भी एफआईआर और देशद्रोही का केस बुक हो, क्योंकि जब तक ओवैसी जैसे लोग भारत देश में रहेंगे, भारत देश में कभी भी हिंदू और मुसलमान मिलकर नहीं रहेंगे। मैं